दोस्तों मुसलमान जहां इस वक्त अपने हकीकी खुदा को भूले हुए हैं इबादत और मस्जिद से कोसों दूर हैं कुरान पाक नहीं पढ़ते और ना ही सुनते हैं लेकिन जानवर जिन्हें हैवान कहा जाता है वो भी अपने हकीकी रब को नहीं भूलते सुबह शाम अपने अंदाज़ में खुदा की वहदानियत बयान करते हैं उनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो वो ग़ौर से सुनते हैं दोस्तों इसी तरह का एक वाक़ा जामिया रहमानिया हाथी खाना मस्जिद बिहार में सुबह के वक्त मदरसे के बच्चे कुरान पढ़ रहे थे उसी वक्त मस्जिद में एक बंदर आया दोस्तों होना तो ये चाहिए था कि ये बंदर इधर उधर भागता अफरा तफरी का माहौल पैदा करता लेकिन ये बंदर किसी को नुकसान पहुंचाए बिना उन कुरान पढ़ रहे बच्चों के सामने सुकून से बैठ कर कुरान मजीद की तिलावत सुन रहा है तमाम बच्चे कुरान पढ़ने में मशगूल हैं और ये बंदर इतमान से बैठ कर अल्लाह के कलाम को सुन रहा है दूसरे जानवर कुरान सुनने के लिए मस्जिद में आता है और हम मुसलमान न कुरान सुनते हैं न पढ़ने की हमें फुर्सत है तभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए